सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कल सोमवार था और कल माइकल विलियम सर एंड जूली मैडम, आपको अच्छे से पता है कि हर सोमवार को लाइव डिस्कशन होता है दोनों लोगों का, और हर बार जो टॉपिक होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और कल का जो टॉपिक था वो था एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, यानी कि आपका दृष्टिकोण, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, यानी कि जब आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहता है। जैसे कि आज अगर हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, तो आज हम हमेशा हमेशा जीवन भर ऑन पैसिव के कृतज्ञ रहेंगे, यानी कि आभारी रहेंगे। तो ये जो दो वर्ड है, इन दोनों वर्ड के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है माइकल विलियम सर एंड जूली मैडम के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हुआ। और पूरा का पूरा समरी सुनने के बाद में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है, माइकल विलियम सर, जूली मैडम और हमारे जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, इनकी एक एक बात को हमें फॉलो करना है। एक एक बात आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस में काम आने वाली है, और हम इनकी बात को कभी भी छोड़ते नहीं है, हमेशा इनको फॉलो करते हैं। और जब भी माइकल विलियम सर एंड जूली मैडम का जब भी लाइव सेशन होता है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके ना बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए यहां पर ऑन पैसिव के रिगार्डिंग रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा हमेशा लाता रहूंगा और लाता हूं। सो यहां पे बात स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। बहुत सारी चीजें यहां पे इस समय चल रही हैं और ये हफ्ता जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, एंड आज का जो टॉपिक है, जूली मैडम ने ये बात को स्टार्ट किया, और आज का जो टॉपिक है वह है एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड के बारे में जूली मैडम ने बताया कि यह एक ऐसी चीज होती है जो आपको एक सफल इंसान बना सकती है और आपको ये बिगाड़ भी सकती है। जी हाँ, एटीट्यूड देखा होगा आपने कभी कभी, बहुत सारे लोग एटीट्यूड में चलते हैं, बहुत सारे एटीट्यूड झाड़ते हैं, बहुत सारे लोग एटीट्यूड में जो है अपना अच्छा भी काम करते हैं, और बहुत सारे लोग अपने ताव में निकल पड़ते हैं। तो ये क्या होता है एटीट्यूड? आपने कई लोगों के मुंह से ये वर्ड सुना होगा और आपने भी कई बार कहा भी होगा लोगों को। सो कोई भी काम आपका एटीट्यूड पर ही डिपेंड होता है, यानी कि दृष्टिकोण, आपका रवैया क्या है। यहां पे माइकल विलियम सर जो है अपना एक फीडबैक देते हैं आज के टॉपिक को लेकर के। माइकल विलियम सर ने बहुत ही ज्यादा जो है एक्साइटेड भी देखे आज के टॉपिक को लेकर के, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हम इस प्रकार की जर्नी में है जहां पर बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से हो रही है, जिनको हमने आज तक कभी नहीं देखा। अगर आप इन सारी चीजों पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर जरूर बना सकेंगे। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन जो भी हो, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव रहता है एटीट्यूड, तो आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। यहां पे वो आगे कहते हैं हमारे माइकल विलियम सर, हम हमेशा इसी आशा में रहते हैं कि आगे क्या होगा, अगली पार्टनरशिप किसके साथ होगी। ऐसा क्या कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि हम डे बाय डे ऊंचाइयों को छूते चले जा रहे हैं, और आप और हम सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं। आपका एटीट्यूड आपको जीत हासिल कराने में, आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और ये केवल बिजनेस में ही नहीं, बल्कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। किसी भी खेल में जीत हासिल करने के लिए आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हम अपनी कंपनी में विश्वास करते हैं और हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। हमारे पास अपनी लाइफ को चेंज करने का यही एकमात्र तरीका है, जहां पर 99% लोगों की लाइफ चेंज होगी। यहाँ पे सिर्फ 1% वो लोग होंगे जो विश्वास नहीं करते हैं, जो काम करना ठीक तरीके से नहीं चाहते हैं, या फिर उनका एटीट्यूड ही जो है अलग ही प्रकार का है। सो यहाँ पे जूली मैडम ने अपना फीडबैक दिया, उनसे एक सवाल भी पूछा, जब आप यह मान लेते हैं कि आप हार जाएंगे, तो आप 100% जो है आप हार जाते हैं, और इसलिए कभी भी अपना एटीट्यूड हारने वाला मत रखो। एक अच्छा एटीट्यूड आपके खेल को बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। आपका एक अच्छा रवैया
एक अच्छा एटीट्यूड आपकी पूरी लाइफ को भी बदल सकता है। खेल का मतलब यहां से लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। माइकल विलियम्स सर कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया है, मुझे पता है कि मेरे विश्वास का लेवल कहां पर है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मेरे मन में कोई शक नहीं है और यह कंपनी वास्तव में ह्यूमैनिटी को बहुत ही जल्दी अपलिफ्ट करने जा रही है, बहुत ही जल्दी। कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। उन सारी चीजों के बारे में आपको कभी भी शिकायत करने की या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बारिश आपके कंट्रोल में है? नहीं। भूकंप आपके कंट्रोल में है? नहीं। अभी आपके एरिया में जो ओले पड़ने लगे आपके कंट्रोल में है? नहीं। मेरा जो है अभी मैंने खेत बोया था, अब बारिश हो गई, मेरा खेत फसल बेकार हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये इन सारी चीजों का, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, वो उस एग्जांपल को देकर के माइकल विलियम्स सर ये समझाना चाहते हैं कि उन सारी चीजों के बारे में शिकायत करने से या चिंता करने से कोई फायदा नहीं है जो चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है आपको उस पर ध्यान लगाना चाहिए कि हाँ, मैं इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं। एटीट्यूड हमेशा उन चीजों पर होता है जो मुझे बेहतर बनाने में मेरी मदद करती हैं। बिल्कुल बात सही है। आप अगर अपनी लाइफ में भी अपना एटीट्यूड जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपनी लाइफ को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में ही अपनी एटीट्यूड को जो इस्तेमाल करें। इस समय कंपनी बहुत ही हार्डवर्क कर रही है और इन सारी चीजों को जो है आप सोशल मीडिया पर आसानी से देख भी सकते हैं, इसलिए आपको हर एक दिन बेस्ट तरीके से ही पूरा करना होगा। कहने का मतलब यह है कि माइकल विलियम्स सर ये कहना चाहते हैं कि आप जब दिन की शुरुआत करें तो आप अपना बेस्ट दें, आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप उतना अच्छा करें। जूली मैडम आगे बताती हैं कि यदि आप अपनी लाइफ में फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको अपना गोल पहचानना पड़ेगा। गोल मतलब लक्ष्य, मतलब टारगेट, मतलब उद्देश्य आपको पहचानना पड़ेगा और आपको अपना क्यों, वाय क्लियर भी करना पड़ेगा। बड़ी चीजों पर फोकस करो और उसे मैसिव तरीके से करो, उस पे मैसिव तरीके से एक्शन लो और उसके लिए प्लान भी बनाओ, तब देखिए कि कितना बेहतरीन यहां पर रिजल्ट निकल के आता है। जूली मैडम ने पूछा कि आप अपने इस बिजनेस में, हमारे सीईओ में एंड किस प्रकार का जो है ग्रेटिट्यूड जो है किस प्रकार देखते हैं, ग्रेटिट्यूड किस प्रकार देखते हैं एंड अपनी कंपनी पर हम सब लोगों के लिए एक वरदान भी है। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई वो थी एटीट्यूड की। अब जूली मैडम ने जो है एक ग्रेटिट्यूड के बारे में भी जो है सवाल पूछा कि आप सीईओ सर के अंदर और अपने बिजनेस के अंदर किस प्रकार से ग्रेटिट्यूड को देखते हो। एटीट्यूड बता दिया मैंने आपके लिए। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, यानी कि आप किस प्रकार से आभारी हैं, किस प्रकार से आभारी रह सकते हैं। सो यहां पे माइकल विलियम्स सर कहते हैं कि मैं हमेशा अपने सीईओ सर को जो हमेशा मैं उनका ग्रेटफुल रहूंगा। उन्होंने एक सही रास्ते पर जाने का फैसला किया जहां पर प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है जो आपको आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू देने वाले हैं। जब हमारे पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट होंगे तो आप यहां से मिलियंस कमा सकते हैं, बिलियंस कमा सकते हैं और लोग आपके पास अपने आप ही यहां पर आएंगे। ग्रेटिट्यूड के बारे में माइकल विलियम्स ने बताया कि जिस प्रकार ऑन पैसिव में हम लोगों के ऊपर एक ऑन पैसिव ने हम सब लोगों के ऊपर एक कृतज्ञता दिखाई है, इसी प्रकार से हम अपने घर से बाहर निकलें और देखें कि किस प्रकार के लोग बाहर जी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार के बहुत लोग इस प्रकार के हैं जिनको पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है और एक किनारे कहीं पर भी जो है सो जाते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड की बात करें तो हमें इनके बारे में सोचना होगा। जिस तरीके से आज हम ऑन पैसिव के कृतज्ञ हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम के अंदर ये लोग भी आपके कृतज्ञ हो सकते हैं अगर हम इस तरीके से काम करेंगे। तो मैं अपनी लाइफ की, मैं अपनी कंपनी की हर एक चीज को बहुत ही हर एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं। अगर आप ओ ब्लेस करने की स्थिति में हैं तो आप जरूर करें। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, लेकिन अभी भी अगर वही लोग वही काम करेंगे तो अपना एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड कभी भी नहीं बदल पाएंगे।
चीजों को बेहतर बनाने के लिए कंपनी लगातार काम कर रही है, इसलिए मैं हमेशा इस पर अपना पूरा फोकस करता हूं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जहां सक्सेस होती है वहां फेलियर भी होता है। जिस सफलता की आप तलाश कर रहे हैं वह फेलियर से होकर के ही गुजरता है। कोई सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है लेकिन वह आपको सीखना भी पड़ता है। किसी भी प्रकार के डर को अपने अंदर मत आने दो। हम हमेशा आभारी रहेंगे अपनी कंपनी के, अपने अपॉर्चुनिटी के, और जो कि शुरुआत में ही हम सब लोगों को मिल चुकी है। केवल हम 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर ही नहीं बल्कि इस कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों ग्राहक भी आने वाले हैं जो कि अपनी लाइफ को यहां पर बदलेंगे। आगे आने वाले समय में जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम जश्न मना रहे होंगे। सिर्फ यही कंपनी एकमात्र आपकी सफलता का कारण बनने वाली है एंड यही आपकी सफलता की परवाह भी करती है। जूली मैडम इसमें आगे बताती हैं कि इस समय हमारी टेक्निकल टीम एंड हमारे सीईओ बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसको हल कर लेंगे और यह सभी काम पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में अगर एक होप यानी कि आशा है तो आप कोई भी टारगेट या कोई भी लक्ष्य यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन कैसा भी हो आसान नहीं है लेकिन इसको आसान बनाने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। माइकल सर से एक सवाल पूछा गया कि आप इस कंपनी के अंदर क्या देखते हैं, क्या देखा है आपने इस कंपनी के अंदर, इस बात को जरा एक बार जरूर शेयर करें। तो माइकल विलियम सर ने बताया यह कंपनी हमें एक उम्मीद यानी कि आशा देती है, अपने परिवार को अच्छा बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देती है। मैं अपने इस बिजनेस के लिए हर चीज के लिए आभारी हमेशा रहूंगा। इस बिजनेस ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी दिया है। तो यहीं पर माइकल विलियम सर ने अपनी बात को इस तरीके से चार पांच लाइनों में खत्म किया और लास्ट में जूली मैडम ने कहा कि अपने हर प्रकार के चैलेंज को आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस करें। अगर आपके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप किसी भी चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हैं। सो ये थी पूरी की पूरी समरी हिंदी में माइकल सर एंड जूली मैडम के बीच में जो सोमवार को एक लाइव डिस्कशन हुआ था। सो आई होप आपको इसमें से बहुत सारी चीजें मिली होंगी और आपने जो अपना एटीट्यूड जो अभी तक कैसा भी हो आपने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड भी जो है बनाने का फैसला भी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। वी आर सो नीड टू विन इट।